नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपने कहा कि 50-50% आप दोनों पाम का यूज़ करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली राइट हैंड का यहाँ एनालिसिस किया जाएगा और लेफ्ट पाम में जाकर फेट लाइन और सन लाइन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्वेरीज के आंसर मैं दे देता हूँ। पहला कि बी फार्मा आप कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या किन फील्ड में बेसिकली सक्सेस आपको मिलेगा। तो अभी जो आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है या इतना एक प्रकार से आप टेंशन में आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न इतना हो रहा है, तो इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की पहली बात तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र आपकी वैसे हुई नहीं है। यहाँ पे एक और बात थी उसमें जो आपने कही थी, उस पर मैं अच्छा आपको जवाब भी दूंगा। तो यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट आपके लाइफ लाइन के फ्लो पर। तो ये जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन का एक फ्लो है, ये आप देखेंगे पहले तो इस प्रकार से आइलैंड के फॉर्मेशन में चल रहा है। अब जब ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर हुआ है, ये एज अगर हम काउंट करेंगे तो ये एज अप्रोक्सीमेटली आपको निकल के आएगा 20 से 21 के बीच में। मतलब ये जो एज है, इस उम्र में आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट लाइफ में अच्छे से हुए हैं। अब जब इंडिपेंडेंट हुए हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि फिर जो आपकी माइंड लाइन है वो फिर इस प्रकार से यहाँ चल रही है, और जो लाइफ लाइन है उस पर से एक यहाँ पर मंगल की रेखा काट करके फिर ये लाइफ लाइन स्ट्रांग हो रहा है। यानी ये एज अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 23 अप्रोक्स ये एज है, और वही माइंड लाइन के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो जब ये हल्की सी बहुत माइनर सी रेखा काट के गई और थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा आइलैंड का यहाँ फॉर्मेशन भी है बहुत माइनर सा, उसके बाद जो है ये 23 का एज से माइंड लाइन भी स्ट्रांग हुआ है। फिर एक और आइलैंड बना है यहाँ पर आपको 24 से 25 के मिड में। ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रबल देने वाला रहेगा। इस टाइम पे आप टेंशन में थोड़े ज़्यादा रहेंगे, और ये इसके बाद डायरेक्ट आप देखें यानी 25 से 26 अराउंड एज के बाद में सीधे क्लियर कट आपकी माइंड लाइन चल रही है। यहाँ देखेंगे लाइफ लाइन, तो ये लाइफ लाइन सीधे यहाँ से ओवरलैप होकर के फिर कंटिन्यूस चल रही है। इसमें जो सपोर्टिव लाइंस भी आकर के जुड़ी हैं, ये एज निकालेंगे हम तो ये 26 निकल के आएगा। तो सपोर्टिव लाइन के कारण एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर को पूरा करने में दूसरे लोग सहायता करेंगे, तो ये भी 26 एज है। इसके बाद यहाँ जो फेट लाइन है ये अभी फेडेड चल रही है, फेडेड यानी बिखर के चलना या इतना प्रोमिनेंट रिएक्शन नहीं दे पाना। अब ये जो फेट लाइन है ये भी स्ट्रांग जब हो रही है, जब गुरु की तरफ थोड़ी मोड़ी है, और उसके बाद जा करके सीधे फेट लाइन निकल के आपके यहाँ सेटन तक पहुँची है। अब जब ये गुरु पर मुड़ी है, ये एज हम निकालेंगे तो ये 26 से 28 के मिड में ये एज निकल के आएगा, और गुरु की तरफ ये रेखा मुड़ी है। इट मीन्स किसी न किसी गुरु की आवश्यकता आपको सबसे पहले पड़ेगी, और शिव जी से बड़ा गुरु इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। तो शिव जी को आराध्य मानिए, उनकी सेवा करिए, उनका ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, सोमवार को उपवास रखिए, जितना कर सकते हैं उनके लिए करिए, उनसे बड़ा गुरु यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद जाकर के फेट लाइन इम्प्रूव हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि चलिए फेट लाइन तो इम्प्रूव हो गई, यहाँ से सन लाइन जो है बहुत पहले से निकल रही है। फेट लाइन जब आपका फेडेड यानी बिखर के जब चल रहा है, उसी टाइम से सन लाइन स्ट्रांग होकर के निकल रहा है। बट दिक्कत यही है कि सन लाइन टूट टूट करके रुक रुक करके चल रहा है। सन लाइन देखिए, सन लाइन यहाँ पर आपको पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, जो व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचते चाहे किसी भी फील्ड में, उन सबका सनमाउंट स्ट्रांग होता है, नहीं तो सनलाइन अच्छी होती है। लेकिन सनलाइन होने के बाद इस प्रकार से टूट के चले, ये बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है, क्योंकि इसके कारण कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। सनलाइन है करियर, तो करियर को लेकर के स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है, एम और एक प्रकार से गोल के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिलता डुलता रहता है, यानी कुछ हो नहीं पाता है। तो अब ये चीज़ कब तक चलेगी आपकी लाइफ में? तब तक चलेगी जब आप फोकस नहीं हो जाते हैं। अब आप जो है अभी से रेमेडी करिएगा, 2 से 3 महीने के बाद आप फोकस प्रॉपरली हो जाएगा, सनलाइन देखिएगा आपका स्ट्रांग होने लग जाएगा। वहीं 60 साल की उम्र भी हो जाए लेकिन आप फोकस नहीं है, तब भी ये रेखा ऐसी रहेगी। तो ये चीज़ आपके हाथ में है कि सनलाइन को स्ट्रांग करना या नहीं। ये जैसे ही स्ट्रांग हुआ, आपका सेटलमेंट करियर का बेस्ट हो जाएगा, नेम, फेम, मनी वनी सब A to Z जो भी आपको चाहिए सब चीज़ मिलेगा। तो इसीलिए डरने वाली से कोई भी बात नहीं है। और आपका एक और प्रश्न था कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो देखिए गुरु माउंट यहाँ एक्टिव होना चाहिए, गुरु माउंट डेवलप्ड अच्छा है, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलेगा आपको, सपोर्टिंग एंड केयरिंग नेचर का ज़्यादा रहने वाला है, धार्मिक भी ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर भी जब सपोर्टिव लाइन आई है उसके से लाइफ लाइन का फ्लो और फेट लाइन का फ्लो भी स्ट्रांग हुआ है, तो आफ्टर मैरिज देखिए लाइफ में ग्रोथ अच्छा है, शुक्र माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से हर प्रकार की लग्जरी, सुख सुविधा और सेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ में आपको मिलेगा। और यूनियन लाइन भी यहाँ पर देखेंगे तो 26 अराउंड एज ही इंडिकेट कर रहा है, तो मैरिड लाइफ भी बहुत परफेक्ट यहाँ रहने वाला है आपका। फिर प्रश्न है उम्र कितनी है, कैसा रहेगा जीवन,
पैसा ज़्यादा कमाऊंगा, तो यस उम्र बिल्कुल लंबी है, बहुत अच्छी है। शुक्र पे जब जीवन रेखा झुकती है तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है, ज़्यादा टफ लाइफ होता नहीं है। दूसरा, 87 क्रॉस एज यहाँ आपका इंडिकेट हो रहा है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे यहाँ की धन रेखा सीधे शनि तक पहुँच रही है, सूर्य की सहायता यहाँ मिल रही है, ऊपर से गुरु का सानिध्य भी मिल रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर अगर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया फिर तो कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है आपके जीवन में। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा सा चुभा कि मेहनत करते करते थक गया हूँ फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली, अच्छा समय कब शुरू होगा। अच्छा, आपकी उम्र देखिए, आप 22 साल के हैं और अभी इतना ज़्यादा कुछ लाइफ में एक्चुअली देखा नहीं है आपने। इतना ज़्यादा स्ट्रगल पुराने टाइम में किया जाता था, या आज से आप मान के चलिए 80-90s के टाइम में, और अभी भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, गाँव इलाके में और बहुत सारे जगह पर किया जाता है। अभी तो ये उम्र में एक कहावत है कि मक्खी चेहरे से फिसलता है, इतना नूर होता है, जो मेहनत कर लो इंसान टूटता नहीं है। दुनिया पलट देने वाला समय ये रहता है इंसान के जीवन का, 22 और ये 25 26 28 तक का जो ये उम्र रहता है, और इस उम्र में अगर ये मेंटलिटी आ जाए तो डेफिनेटली फिर ग्रोथ कैसे हो पाएगा लाइफ में। तो मैं यहाँ पर कोई आपको ऐसे एक प्रकार से भाषण नहीं देना चाहता, बट यहाँ पर ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर आप अपना थिंकिंग ही इतना नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आप फ्यूचर की कैसे एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके पाम के अकॉर्डिंगली मुझे सच में इतना कुछ ज़्यादा ट्रबल नहीं दिख रहा है। मेरे को ये बस समझ में आया कि यस, आपके स्टार्टिंग लाइफ में आपके फाइनेंशियली कहें या हेल्थ वाइज भी कहें या फोकस पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छे से नहीं लग पाया, बस दैट्स इट। लेकिन उसके बाद तो सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को, फिर क्या दिक्कत है। यही दिक्कत है जो चंद्र के क्षेत्र से आ रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र ओवर डेवलप है तो ख्याली पुलाव ज़्यादा आता है व्यक्ति के अंदर, सोचते विचारते रहना, अपनी धुन में गाते रहना, या राय का पहाड़ या तिल का तार करना। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता है, आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। और अच्छा समय कब आएगा, अच्छा समय 23 से स्टार्ट हो रहा है, 26 से स्टार्ट हो रहा है, 28 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 23 में दो अगर स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 26 में 10 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 28 में 20 स्टेप आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद तो फिर दौड़ते जाएंगे। ऐसा यहाँ पर आपके योग है। फिर किस देवता की पूजा करनी चाहिए, तो बिल्कुल शिव जी की करिए, वही आराध्य है, आपके गुरु अच्छे रहेंगे और खुद के दम पर ही घर आप बनाने वाले रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर से भी आपकी सन लाइन सैटर्न की तरफ गई है और ऊपर से मल्टीपल सन लाइन निकल रही है, तो व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से ही जीवन में अच्छा सफल हो पाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर जो बनने के योग भी हैं ये सब भी 28 अराउंड एज के लमसम में ही देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई से ही आपको फ़ायदा अच्छा है कि उसमें जॉब के चांसेस भी ब्राइट है। रीज़न ये है कि सनलाइन स्ट्रॉन्ग होकर के अच्छा यहाँ पर चल रहा है उसको, और अगर पंचुअलिटी के साथ आपने पढ़ाई की अच्छा फोकस करके तो सन अच्छा रिएक्ट करेगा। दूसरा, आपके जो माइंड लाइन है वो कंपेरेटिवली स्ट्रेट है, स्ट्रेट माइंड लाइन वाले ही लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, तो इसलिए चांसेस यहाँ पर अच्छे हैं। ऊपर से फेट का सपोर्ट भी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। और ये जो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी हैं आपके, जब ये फेट लाइन इंप्रूव हो रहा है तो ये हो रहा है आपको 26-28 अराउंड के बीच में ही, तो उस टाइम तक कहीं ना कहीं सेटलमेंट के चांसेस हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस आपको 24-5 के अराउंड के एज में होने के चांसेस अच्छे हैं। शेयर मार्केट की जहाँ तक बात करें तो शेयर मार्केट के लिए मून और आपका मरकरी अच्छा होना चाहिए, और आपका ये दोनों अमाउंट अच्छे हैं, बट समय अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो फेट लाइन है वो फेडेड फेल करके चल रहा है, तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं अच्छे से। इसीलिए पैसा जहाँ जहाँ लगाएंगे वो तो डूब ही जाएगा। और शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है कि जिसमें लक अच्छा हो तो भी डिपेंड करता है व्यक्ति के कर्मास पे, पेंडिंग कर्मास में, कि वो प्रॉफिट गेन कर पाएगा या लॉसेस में ही जाना है, तो इसीलिए अभी तो आप बिल्कुल मत करिए, लेकिन हाँ इन फ्यूचर इस चीज़ को ज़रूर आप ट्राई करें, इससे लाभ आपको अच्छा मिल सकता है। और फिर पूछा आपने कि कौन सा ग्रह अच्छा है या ख़राब है, तो ऐसा देखा जाए तो ख़राब तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, सब अच्छे रिएक्ट कर रहे हैं। बस हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये तिल है यहाँ पर सैटर्न पे, तो सैटर्न का रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न माउंट पे तिल होना एक प्रकार का कर्ज इंडिकेट यानी कर्ज बताता है, जिसके कारण भाग्य का सहयोग उतना प्रॉपरली नहीं भी मिल पाता है, व्यक्ति चिंता ज़्यादा करने लगता है और छोटी मोटी बात सब भी बहुत ज़्यादा लाइफ में अफेक्ट होने लगते हैं आप जैसे जातक। तो इसीलिए अगर ये तिल है
तो मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं सैटर्न के आपको रेमेडीज़ अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ। और अगर तिल नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से कोई भी ग्रह यहाँ नेगेटिव आपका इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं, तो फिंगर की लेंथ देख पाएंगे आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग है, जो कि एक अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम सोच विचार के करना, डिटेल में जाना, हर छोटी से छोटी बात की नॉलेज या परख रखना, पेशेंस लेवल भी कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलता है। बट यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो थंब है उसमें फर्स्ट के कंपेरिजन में सेकंड फीलिंग्स के लिए ज़्यादा है। तो ये बताता है कि आप लॉजिक बेशक हर काम में के पीछे अच्छा लगाते हैं, बट सोचते विचारते ही हमेशा ज़्यादा रह जाते, कर उसमें थोड़ा सा कम आप पाते हैं। इस विषय में और अच्छे से जानकारी एनालिसिस में अभी आगे निकलेगी। बाकी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसे हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। वहीं जो आपका लिटिल फिंगर है एकदम स्ट्रेट है, तो इस कारण से अपने हितों की रक्षा भी करने वाले रहेंगे, अपने बात पर अड़िग रहने वाले भी रहेंगे। फर्स्ट जो फिंगर है इसका झुका सैटर्न की ओर है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है, जिसके कारण धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान होना, अकेलापन, अच्छे लगना लगना, भीड़ से अलग रहने के योग फिर बनते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में रिस्क ले लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, आपका हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छे स्टेटस, पॉपुलैरिटी, सब के चांसेस आपके ब्राइट हैं, और अपने से ऊँचे कुल में जाकर के आपका रिस्पेक्ट और एक प्रकार से आदर सम्मान देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, तो हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के साथ हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और फिंगर के बीच में जो गैप्स मेंटेन हो रहे हैं, ये एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपके बिल्कुल ना के बराबर है, धन संचय करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे लोगों को यही उपाय या सुझाव दिया जाता है कि अपने पैसे को किसी ऐसे हाथ में दे दें जहाँ पर वो अच्छे से रहे, या फिक्स डिपॉजिट वगैरह फटाफट उसको कहीं ना कहीं पैसा को फिक्स करा दें, लगा दें, ताकि वो सर पे ना रहे और फिर नाश्ता ना रहे। वरना आपकी जेब में ऐसा है कि 10 लाख भी अगर सुबह दे देंगे, शाम को पूछेंगे क्या हुआ, आप बता नहीं पाएंगे, इतना खर्चीलापन देखने को ऐसे कंडीशन में मिलता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व ऊर्जा एनर्जी ठीक रहने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट जो आपका फेलेंज है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अपने इमोशंस फीलिंग्स बहुत जल्दी दूसरों के सामने शो भी कर देने वाले आप रहेंगे। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो कुल मिलाकर के सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर अच्छा देखने को मिलता है। ये तभी अच्छा देखने को मिलेगा जब आप मेडिटेशन, योगा, पूजा पाठ करेंगे। सिक्स सेंस यानी आभास लगना, पूर्वानुमान लगना, ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता बढ़ जाना, इंटेलिजेंसी बढ़ जाना, ऐसा करके बहुत उन्नति जीवन में फिर देखने को मिलती है। इसे बुद्धास आइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे पौराणिक हिंदू शास्त्र हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है कि ये जो बुद्धास आइस है इसका निर्माण ऋषियों द्वारा किया गया है, और जो गौतम बुद्ध थे उनके भी प्योर ऐसे ही क्लियर कट, उनका और ज़्यादा क्लियर कट साइन था। बाकी जितने भी ऐसे जो ध्यान मग्न और जो बहुत बड़े अचीवर लाइफ में निकले, उन सबके अंगूठे पे इस प्रकार के योग रहे हैं, और उनको सिर्फ मेडिटेशन और अध्यात्म से जो है सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिला है। तो आप भी इसी के माध्यम से जीवन में जो अपना लाइफ का जो पाथ है वो कहीं ना कहीं पता अच्छे से कर सकते हैं। वहीं जो पाम है एकदम लंबाई में भी ठीक है, चौड़ाई में भी ठीक है, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई ऐसे कमी नहीं रहता है। यहाँ देखेंगे बारीकी से तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा देखने को मिलता है। थिंकिंग जोन ठीक है, एक्शन जोन भी डेवलप ठीक है, और यहाँ बाहरी मंगल डेवलप ज़्यादा हो, माफ़ करें, चंद्र का क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होने के कारण बेचैनी, मन घबराना, मन के विचलित होना, या कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, उस प्रकार के योग बनते, तो ओम नमः शिवाय का जप से लाभ अच्छा इसमें देखने को मिलता है। गुरु का क्षेत्र ठीक है, यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देगी, ऑकल्ट साइंस जो ये है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के प्रति अट्रैक्शन रहेगा, और सोशल वर्क भी आगे जाकर के आप अच्छे से करने वाले रहेंगे। और यहाँ एक इंडिपेंडेंट एक प्रकार से क्रॉस का साइन भी डेवलप्ड हो रखा है, यहाँ आप देख पाएंगे, हल्का सा, बहुत हल्का सा ही है, तब भी ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिएक्ट करता है मैरिड लाइफ के लिए। सैटर्न माउंट पे सेपरेटली फेट लाइन पहुंची है, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, धन भी एक से अत्यधिक माध्यमों से आने वाला आपके पास रहेगा।
सूर्य के क्षेत्र पर टूटी हुई रेखा थोड़ा कन्फ्यूज्ड और डिस्टर्ब आपको ज़्यादा करेगी, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का मन होगा, बट आगे चल करके सनलाइन स्ट्रांग हुई है और फिर यशस्वी योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसके कारण खुद के दम पर खुद की प्रॉपर्टी आप बनाने वाले भी रहेंगे। और सनलाइन जैसे पॉजिटिव रिएक्ट करना है तो फोकस की थोड़ी कमी है वो सही हो गई, सब चीज़ सेटल्ड हो जाएगा लाइफ में। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है तो बोलचाल की कला ठीक देखने को मिलती है, अपने बात को स्पष्ट व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। एक से अत्यधिक रेखा ठीक यानी मीठी बोली को भी बताता है और कैलकुलेशन वगैरह ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं या वर्क मैनेजमेंट या किसी को भी अपने बातों से कन्विंस कर लेना, ऐसी एबिलिटीज़ भी यहाँ पर अच्छी हैं। हृदय रेखा की जहाँ तक बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से निकलते हुए आपका यहाँ देखेंगे आप तो एक शाखा नीचे की ओर झुकी है, एक शाखा आगे बढ़ रही है और उसमें से एक शाखा निकल के गुरु पर गई है। तो चाहे कुछ भी हो जाए आप सुनेंगे एट द एंड अपने दिल की ही और करेंगे अपने मन की ही, तो इस कारण से जो प्रैक्टिकलिटी है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, यानी हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी व्यक्ति सिर्फ अपने इमोशंस के थ्रू ही अपने जीवन में सारे काम कर रहा है, ऐसे योग बनते हैं। तो वैसे दिल के आप साफ हैं, किसी भी रिलेशन में अपने ओर से 100% एफर्ट्स देंगे, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा रखना और वर्कोहॉलिक नेचर रखना यानी मेहनत और सही डायरेक्शन में करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी माइंड लाइन में कोई ऐसी इशू नहीं है, आगे माइंड लाइन स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रेट माइंड लाइन है जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना सुनना विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क भी हुआ है तो ये चतुर चालाकेपन को भी व्यक्त करता है, तो आगे चल करके बुद्धिमत्ता में भी और ज़्यादा विकास आपको देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन का फ्लो सीधे स्मूथ चल रहा है यहाँ पे, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसे बेसिक इशू ट्रबल नहीं रहेगा और जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ में सब 26 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बाद से स्ट्रेस खत्म होगा, अचीवमेंट्स हासिल अच्छे होना शुरू हो जाएगा। अंदरूनी मंगल क्षेत्र डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल ज़्यादा डेवलप है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, आपका एग्रेशन भी कंट्रोल रहेगा, जुनून हौसला पराक्रम इसमें किसी प्रकार की कोई मुझे कमी देखने को नहीं मिल रहा। और मंगल का क्षेत्र जब एक्टिव ज़्यादा होता है तो आप जैसे लोग मित्रों का साथ बहुत अच्छा देने वाले रहते हैं, तो बाहरी मंगल डेवलप है तो सहनशीलता भी धीरे धीरे बढ़ती है और जब बाहरी मंगल डेवलप्ड होता है तो जो तलवार है वो म्यान में होती है, मतलब इस प्रकार का एग्रेशन रहता है कंट्रोल्ड। अब आप ये यहाँ पर बहुत उठपटांग तरीके से जो रिएक्ट कर रहे हैं अभी अपने लाइफ में, ये मोस्ट प्रोबेबली माइंड लाइन के अफेक्ट और मूड स्विंग या ओवर थिंकिंग के कारण। बाकी जैसा आपका बाहरी मंगल है, जीवन में बड़े से बड़े खतरे भी आ जाएं आप जैसे लोग डरते नहीं हैं। बाहरी मंगल सिर्फ एक हाथ में मैंने अपने लाइफ में देखा है, सिर्फ एक जो हैंड्स प्रूफ हुआ है कि उनका पूरे पाम में सारे माउंट खराब थे, सारे के सारे जो लाइन्स सब डिस्टर्ब थे और उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी। हालांकि तो उनमें सिर्फ बाहरी मंगल डेवलप था, आप मान के चलिए कि कटे हुए दो पाँव और कटा हुआ एक हाथ के बदौलत वो इंसान 18 साल जीवित रहा था, इतना ज़्यादा ये स्ट्रेंथ यहाँ देता है बाहरी मंगल। बस ये है कि आपके ऊपर चैलेंजेस आने चाहिए, बस चैलेंजेस आएगा आप फिर अपना असली जो है आप में दमखम दिखाएंगे आप। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड यहाँ ठीक है, शुक्र ऐसा है आपका कि एक तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रखेगा, हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा भी देगा, संतुष्ट में वैवाहिक जीवन भी देगा, अच्छा रहन सहन खान पान घूमना फिरना और एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार बंगला सब चीज़ देगा, ऐसा शुक्र है आपका यहाँ पे। और यही शुक्र है कि आपको खर्चे भी बहुत कराता है और ये खर्चे किस में कराएगा, लग्जरीज लाइफ को मेंटेन करने में, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में, दिखावटी चीज़ों में और जो यूनिक और एंटिक चीज़ें ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उन सब के ऊपर। अब यहाँ जो आड़ी रेखा है ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है जो ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग्स के कारण अपने फैमिली लाइफ को लेकर के भी आपको आ सकता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, कोई इतना नेगेटिव आपका यहाँ शुक्र माउंट नहीं है। केतु माउंट भी डेवलप्ड यहाँ ठीक है, यहाँ पर तो साफ सुथरा फिश सिंबल देखने को मिल रहा है। फिश सिंबल जब होता है तो लाइफ में सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस देता है, बस इस फिश सिंबल का नीड इतना ही है, ज़रूरत ये इतना ही मांगता है कि आप धार्मिक रहिए, बस धार्मिक रहेंगे ये लाइफ में आपको ऑटोमेटिकली रास्ता देते जाएगा, पहुँचाते जाएगा। बस चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित ज़्यादा करती है, बेचैनी ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ कोई मुझे प्रॉब्लम यहाँ दिख नहीं रहा है। और इन फ्यूचर ये चीज़ें स्ट्रांग होती है तो फिर उसके बाद से लाइफ में कभी पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा। एक क्लियर कट स्क्वायर का साइन है, मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर बनने के कारण प्रॉपर्टी 35 अप्रोक्स एज तक आते आते होने के चांसेस पूरे होते हैं। लेफ्ट पाम में देख लें सेपरेटली आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि आपका फेट लाइन यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, रुक रुक करके चल रहा है, लेकिन ये भी जो रफ्तार पकड़ा है ये भी 28 की उम्र के आसपास से ही पकड़ा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन से एक रेखा निकलते हुए आगे की ओर बढ़ी है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 26 अराउंड एज से सीधे आपका बढ़ जाने वाला है, क्लियर कट यहाँ पर विजिबल होगा। और यहाँ पर भी सनलाइन अवेलेबल है लेकिन
धुंधली है और लहरदार है, तो फोकस में अग्नि कमी को बताता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।